ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धे सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 8, प्रवचन 8, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, देखो भाई, दूध तमाम उत्तम वस्तु है, परंतु उसमें यदि कोई खट्टा पदार्थ मिलाया जाए या थोड़ी सी जहर की बूंद मिलाई जाए तो या तो वो दूध फट जाएगा या किसी की मौत का निमित्त हो सकता है और पाप का भागी बनना पड़ेगा। तीर्थ स्वयं तो पवित्र हैं, यदि कोई तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र स्थानों पर पाप करेगा तो इसका परिणाम विपरीत हो जाता है। तीर्थों पर पाप कर्म करने से पाप का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आप तीर्थ यात्रा जरूर करें, परंतु आपने कभी ये भी विचार किया है कि तीर्थों पर क्यों जाते हैं? हमारे संत व शास्त्र बताते हैं कि बाबा, वहां इसलिए जाया जाता है कि पापों की निवृत्ति एवं पुण्यों की वृद्धि हो। वहां जाकर पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, जैसे जप करना, दान पुण्य करना, भंडारा आदि करना, ये सारे के सारे पुण्य कर्म हैं। लेकिन ये सब निष्काम करने चाहिए, इससे अंतकरण की शुद्धि व ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस वास्ते ही तीर्थों पर जाया जाता है। तीर्थ का अर्थ। वस्तुतः तीर्थ का अर्थ होता है पवित्रता। तीर्थ का खास अर्थ यही है, अतः वहां पवित्र बनने के लिए जाया जाता है। एक बार उत्तरायण के अवसर पर नासिक जाना हुआ। वहां एक महात्मा से मिलना हुआ जिसका नाम था स्वामी शिवानंद जी। ये महात्मा बड़े विद्वान और कई भाषाओं के ज्ञानी थे। असल में ये बंगाल के थे, बड़े काबिल व भजनीक महात्मा थे। तो वे भी उत्तरायण के अवसर पर अपने 3,000 से अधिक श्रद्धालुओं के साथ नासिक तीर्थ में पधारे। मुझे इनके आने की सूचना मिली तो मैं दर्शन व सत्संग के लिए गया। मुझे पहले से ही इनकी गंभीरता व विद्वता का परिचय था। मेरे मिलने पर संत को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप स्वयं इतने महान हैं, आपके दर्शन एवं स्पर्श से लोग पवित्र हो जाते हैं, फिर आप जैसे महापुरुषों को यहाँ तीर्थों पर आने की क्या आवश्यकता? महात्मा ने उत्तर दिया, देखिए, पानी में डुबकी क्यों लगाई जाती है? कि जैसे पानी शीतल है, वैसे मेरा शरीर भी शीतल हो। जाड़े के दिनों में लोग अग्नि के समीप क्यों बैठा करते हैं? भाई, अग्नि स्वयं गर्म है तो उससे शरीर को भी ताप मिलता है। फूलों के बीच क्यों बैठा जाता है? क्योंकि जो फूलों में खुशबू है वो मुझे भी मिल जाए। ऐसे कचरे के आगे बैठेंगे तो बदबू आएगी। अतएव तीर्थ में क्यों जाते हैं? जैसे हम भी तीर्थी यानी पवित्र बन जाएं। तीर्थों की पवित्र भूमि में निवास करने से अंतःकरण पवित्रता का अनुभव करता है। जैसे कोई अपने लड़के को व्यापारी के पास क्यों छोड़ाता है? उसे व्यापारी बनाने के लिए। ऐसे ही तीर्थों में क्यों जाते हैं? तीर्थी यानी पवित्र बनने के लिए। जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उसे कहा जाता है तीर्थी। भाई, हम तीर्थ पर जाएं तो वहां कुछ नियमों का भी पालन करें, जैसे वहां जाकर संसार की व्यर्थ बातें ना करें, लोभ व लालच से दूर रहें, समय को व्यर्थ नहीं गवाएं। वहां जाकर मंदिरों व देवालयों का दर्शन करना चाहिए, भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए और खास बात, वहां उत्तम महात्माओं का सत्संग व दर्शन आदि करना चाहिए और सतत मुंह से यही आवाज आनी चाहिए, दम दम क्यों राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम राम। जब ऐसे तीर्थी बनकर तीर्थ यात्रा करेंगे तो वो यात्रा हमारे लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।